एक्सेल के ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं जहां पे हम फंस जाते हैं, उसका रिप्लाई हमको नहीं पता। गूगल में कई बार सर्च करते हैं तो उसका आंसर भी नहीं मिलता, लेकिन चैट जीपीटी आपको करेक्ट आंसर देगा और आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देगा कि कैसे आप एक्सेल के फॉर्मूलाज निकाल पाओ चैट जीपीटी से। क्या आप भी एक्सेल के मास्टर बनना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, बिकॉज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके कैसे एमएस एक्सेल को यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग एमएस एक्सेल को यूज करते हैं डे टू डे बेसिस में अपने ऑफिशियल वर्क करने के लिए, तो इसको आप इजी बना सकते हैं। बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं एमएस एक्सेल में जो कि लोग यूज करते हैं लेकिन उसमें वो फंस जाते हैं। तो लेकिन आपको मैं ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप चैट जीपीटी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इलॉन मस्क की कंपनी है ओपन एआई उसको यूज करके बहुत ही इजी बना सकते हैं अपने काम को। एक्सेल में देखते हैं पहला कि नंबर ऑफ न्यूमेरिक इन ए सेल कितने नंबर हैं। इस न्यूमेरिक सिंपल कॉपी करके आप इसको चैट जीपीटी में डालेंगे और देखेंगे चैट जीपीटी में डाला था, यहाँ पे मुझे एक फॉर्मूला दिया है, इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं कि कितने न्यूमेरिक हैं। तो थोड़ा बहुत इसमें एडिटिंग भी करनी पड़ेगी आपको, जैसे कि आपने फॉर एग्जाम्पल ये डाला तो आपको ये A1 रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि ये A1 नहीं है, इसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। राइट सेल, राइट सेल सेलेक्ट करिए आप, तो राइट सेल सेलेक्ट करने के बाद सिंपली एंटर देंगे तो इसमें 19 न्यूमेरिक्स हैं। तो सिंपली इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे आपके टोटल कितने इसमें न्यूमेरिक है दिखा दिए, इसमें 7 न्यूमेरिक हैं, इसमें 20 न्यूमेरिक है, तो इसको बहुत आसानी से बता रहा है चैट जीपीटी। तो अब नेक्स्ट में जाते हैं, देखिए सम है, सम आपको आता है टोटल, टोटली यहाँ से करते हैं लेकिन फिर भी फॉर्मूले समझते हैं कि कैसे चैट जीपीटी की मदद से हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डाला कि एक्सेल सम फॉर्मूला, स्पेलिंग LA होना चाहिए था, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी जानबूझ के, तो इसने फिर भी चैट जीपीटी ने सही स्पेलिंग बता दी और उसका सम का रेंज का फॉर्मूला बता दिया मुझको फिर से। तो आपको बहुत इजी है सम का, तो इसको देखते हैं हम, फॉर्मूला कॉपी करके सिंपल एक्सेल फाइल में डालते हैं, यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करते हैं, रेंज सेलेक्ट करके सिंपल एंटर करेंगे, टोटल यहाँ पे नंबर आपका आ गया। तो आई होप फ्रेंड्स ये भी कर पाएंगे। थर्ड मैंने है कि लिया है रिमूव स्पेस, तो इसके परवीन स्पेस है बीच में, गोसाई के बीच में, टॉम स्पेस हिल है, तो मुझे रिमूव करना है स्पेस। तो इसके लिए भी मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि मैंने टाइप किया सिंपली कि रिमूव कैसे करते हैं स्पेस को, तो उसने मुझे क्या आंसर दिया सिंपली देखते हैं। एक्सेल फार्मूला टू रिमूव स्पेस, मैंने ये टाइप करा तो मुझे ये इन्होंने दो तीन फार्मूले दिए मुझको, फार्मूले दिए हैं सब्स्टिट्यूट का दिया है, ट्रिम का दिया है, तो ट्रिम वाला यूज़ करता हूँ मैं, सब्स्टिट्यूट वाला भी अच्छा है, ट्रिम वाला भी करके देखते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आपको पेस करने के बाद ये चेंज करना है अपना, जो आपका सेल नंबर होगा वो चेंज करना है, सेलेक्ट करा मैंने, सेलेक्ट करने के बाद सिंपली एंटर मारना है। देखो अब स्पेस रिमूव हो चुका है यहाँ पे, प्रवीण गोसाई के बीच में स्पेस नहीं है, और सिंपली ड्रैग कर देना नीचे, फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। टॉम हिल के बीच में भी, सबके बीच में, आशुतोष चंदेल के बीच में भी स्पेस रिमूव हो गया। तो लास्ट है मेरा, देखो फ्रेंड्स इसमें मुझे क्या है, मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, एट द रेट के पहले जो मेरे प्रवीण नाम है, टीम नाम है, सुनील, ये नाम चाहिए, तो इसके लिए भी मैंने चैट जीपीटी में डाला। तो मैंने डाल के देखा यहाँ पे कि क्या बताता है, तो मैंने लिखा कि मुझे फर्स्ट नेम चाहिए बिफोर एट द रेट के, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने एक्सेल फार्मूला टू गेट, आपको एक्सेल फार्मूला जरूर लिखना है टू गेट फर्स्ट नेम बिफोर एट द रेट, तो मुझे ये फार्मूला दिया है, बहुत अच्छा फार्मूला है, इसको सिंपली आप कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर लीजिए। तो एडिटिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पे A1 लिखा है तो A1 को रिमूव करना पड़ेगा आपको और राइट सेल सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी A1 रिमूव करके राइट सेल सेलेक्ट करते हैं, सिंपली एंटर करते हैं, देखिए मेरा फर्स्ट नाम आ गया है, और यहाँ पे फिर सिंपली ड्रैग कर दीजिए तो ये फर्स्ट नाम आ गया है, टीम सुनील, अजय, सुधीर, सारे नाम आ गए। तो इसमें जो कॉम्प्लेक्स, देखो तो बहुत इजी फॉर्मूलेज थे, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले भी होते हैं एक्सेल के जो कि आप चैट जीपीटी के थ्रू फाइंड कर सकते हो, तो चैट जीपीटी का जरूर यूज़ करें फ्रेंड्स, ये बहुत सारे मुश्किल से मुश्किल फॉर्मूला का आपको सोल्यूशन दे देगा। और आप चैट जीपीटी, अगर आप एक्सेल में ही ज़्यादा काम है तो चैट जीपीटी हमेशा खोल के रखें और एक्सेल के फॉर्मूलेज इससे निकाल निकाल के अपने काम को बहुत ईजी बना सकते हैं आप, और बहुत जल्दी अपने एक्सेल के बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स वर्क को भी कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स अब आप एक्सेल के एक्सपर्ट बन पाएंगे और चैट जीपीटी को अच्छी तरह से यूज कर पाएंगे। अगर ये आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।